गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगा पॉन्ड्स के टोनर का। तो पहले बात कर लेते हैं टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों टोनर जो होता है ना, वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को न्यूट्रल करता है, उसको मेंटेन करता है ताकि हमारी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों देखो, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी ना, तो फिर भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब कि अल्कलाइन अगर हमारी स्किन होगी ना, तो उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्री अगर वो ड्राई हो जाती है तो फ्लेकी हो जाती है, उसमें जो है ना वो प्री मच्योर एजिंग आने का खतरा होता है कि वक्त से पहले एजिंग आना शुरू हो जाती है। अगर हमारी स्किन जो है वो ऑयली होगी तो उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑयली स्किन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्नी, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो टोनर होता है ना दोस्तों, ये टोनर जो है ना, ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को न्यूट्रल रखता है। जो नॉर्मल स्किन होती है ना, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल स्किन है उनमें उसमें ना ज़्यादा ऑयल का मसला होता है, ऑयल की सिक्रिएशन भी नहीं ज़्यादा होती और ड्राइनेस भी नहीं होती। तो जिनकी स्किन नॉर्मल होती है ना, वो तकरीबन 1000 में से 10 लोग होते हैं जिनकी स्किन नॉर्मल होती है। तो टोनर का मकसद होता है, ये हमारी स्किन का जो अल्कालाइन होता है ना, अल्कालाइन लिक्विड होता है या एसिडिक लिक्विड होता है, उसको 2 वर्ड नीचे लेकर आना। अगर हमारी स्किन जो है वो एसिडिक है, तो उसको भी 2 वर्ड नीचे ले आएगा नॉर्मल की तरफ। अगर हमारी स्किन अल्कालाइन है, तो उसको भी 2 वर्ड नीचे ले आएगा। तो ये जो टोनर है, ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, उसको न्यूट्रल करता है, ताकि हमारी स्किन का जो पीएच लेवल है ना, वो नॉर्मल रहे, कि हमारी स्किन जो है ना वो नॉर्मल रहे, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। देखो, हमारी स्किन नॉर्मल रहेगी तो वो हेल्दी रहेगी, हेल्दी रहे और हेल्दी करेगा ये हमारी स्किन को, हेल्दी रहेगी और हमारी स्किन में जो है ना, वो हमारे पोर जो है ना, वो श्रिंक रहेंगे, मिनिमाइज रहेंगे, वो इनलार्ज नहीं होंगे। तो आप ज़रूर यूज़ किया करें। जब आप फेस वॉश करते हो ना सुबह उठ के, फेस वॉश जो होता है ना दोस्तों, देखो फेस वॉश का काम होता है कि वो हमारा जो एपिडर्मस लेयर है ना, उसको क्लींज कर देता है। वो भी क्लींज करता है, लेकिन वो नीचे डीपली नहीं जाता, डीपली जाता है क्लींजिंग मिल्क। अगर आपके बहुत ज़्यादा डर्ट, इम्प्योरिटीज, पोल्यूशन को फेस करते हो, तो आप क्लींजिंग भी किया करें फेस वॉश के बाद। फेस वॉश की क्लींजिंग करके, आप क्लींजिंग की क्लींजिंग मिल करके, फिर आप टोनर अप्लाई करें। टोनर जो है ना, वो आपके स्किन में जो है ना, वो पीएच को न्यूट्रल रखेगा। तो फिर आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। आप आजकल समर चल रहा है, तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी टोनर यूज़ करें, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन के पीएच को न्यूट्रल रखता है। तो ये जो पॉन्ड्स का टोनर है ना, ये दोस्तों है 150 ml है इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, और ये 280-300 की रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप जो है ना वो रोज़ वाटर ले लो स्प्रे वाला, उसको निकालो। और इसको मैं लगाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, आप हाशमी का ले सकते हैं, आप मरहबा का ले सकते हैं, आप सईद गनी का ले सकते हैं, कोई भी रोज़ वाटर ले लें। आपने इसको जब भी लगाना है ना, आपने कॉटन से इसको वाइप नहीं करना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कॉटन से वाइप कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि टोनर भी हमारी स्किन को क्लींज करता है। दोस्तों टोनर का ये मकसद होता है कि वो आपके फेस में जो भी पीएच लेवल जो है ना, वो डिस्टर्ब हुआ है ना, उसको न्यूट्रल करता है। तो टोनर को दोस्तों आपने ऐसे यूज़ करना है, आपने इसको निकाल लेना है, ऐसे आपको यूज़ करके बता देता हूँ। फेस वॉश करके ना, आपने जब आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लग पड़ेगी ना, फिर आपने इसको ऐसे ऐसे टैप कर लेना। फिर थोड़ी देर बाद ना, 10 मिनट बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। देखिएगा आपकी स्किन कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप क्योंकि अगर आपकी स्किन नॉर्मल पे आ जाएगी, आपकी स्किन का जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगा, तो आपकी स्किन जो है ना, उसमें खुद ब खुद ग्लो आना शुरू हो जाएगा। उसको प्रॉब्लम से जो है ना, वो पाक साफ हो जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उसमें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। आप मेरा नाम लिखें, नुमान जी लिखकर अपनी स्किन की प्रॉब्लम लिखें साथ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर 100% जो है ना, उसका सोल्यूशन मिलेगा।
दोस्तों वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, मोटिवेशनल मिलती है मुझे आपके लाइक से, कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।